नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बीपीएससी में पूछा गया मैथ का सवाल देखेंगे। इस तरह प्रश्न प्रधान शिक्षक के बहाली में पूछे जाएंगे। ये पहले का आया हुआ सवाल को हम हल देखेंगे और अगले वीडियो में हम जो भी मैथ से प्रश्न पूछे जाएंगे उसको चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन हम लोगों का है कि 11 और 90 के बीच में कितनी संख्याएँ हैं जो 7 से भाग दी जा सकती हैं। तो देखिए, 11 के बाद जो 7 का मल्टीपल होता है वो 14 होता है और क्या बोलते हैं, 90 के पहले 84 होता है। तो इसको ये ऐसा नंबर ऑफ टर्म निकालना हो कभी तो लिखेंगे लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंट प्लस 1। जब भी नंबर ऑफ टर्म निकालना होगा तो लास्ट इसका कितना है 84, फर्स्ट कितना है 14 और डिफरेंट दोनों का कितना है 7 और प्लस 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 70 बट्टा 7 प्लस 1 कटेगा तो 11 इसका हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म। ये ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक व्यक्ति एक वस्तु को निश्चित दाम पर बेचकर इतना रुपया लाभ कमाती है, यानी 20% लाभ कमाती है। यदि उसे दुगुने दाम पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी सीपी इसका मान लेते हैं सीपी 100 रुपया है तो 20% लाभ पर बेचेगा तो एसपी इसका कितना हो जाएगा, 120 रुपया हो जाएगा। अब कह रहा है कि इसका दाम को दुगना कर दिया, यानी सीपी अब कितना कर दिया जाए, 200 कर दिया जाए और एसपी जो कहते हैं वो रखा जाए 120, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है सी पी माइनस एस पी बटा सी पी गुने 100। ये लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है। तो इसका सी पी और एस पी का डिफरेंस कितना है, 80 बटा सी पी कितना हो गया, 200। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 80 बटा 200 गुना 100, 20 से 20 चला गया यहाँ से यहाँ, यानी 40%, यानी 40% बराबर मान ली 100 + 40 140, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये नंबर सीरीज से आया हुआ क्वेश्चन रीजनिंग की तरह है, जो अगला पद इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए, पहला दिया 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49। तो ये जो है ना, ये एक 1 का स्क्वायर दिया है बराबर 1, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 है बराबर 3, नेक्स्ट हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ऐसे ही करते चले जाएंगे, 4 का स्क्वायर माइनस 1 15, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर डॉट डॉट, अगला हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 63, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि दो रेलगाड़ी जिनमें प्रत्येक की लंबाई है इतना मीटर और प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय कितना होगा। देखिए, तो जब भी विपरीत दूरी अगर रेलगाड़ी के चाल होगा तो x प्लस वाई होता है विपरीत दिशा में, अगर समान दिशा में बोलता है तो x माइनस वाई होता है। तो दोनों रेलगाड़ी प्रत्येक की लंबाई कितना मीटर है, 150 मीटर, तो दोनों का हो जाएगा 300 मीटर और विपरीत दिशा में जुड़ जाता है तो क्या बोल, 180 हो जाएगा 90 + 90 और ये 90 किलो इसे घंटा, देखिए प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड चेंज करने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है, तो वही हम 5/18 से इधर गुना कर देंगे तो ये कट जाएगा कितना मिनट में, 10 मिनट में चला जाएगा और इसके बाद हो जाएगा 300/50 कट जाएगा, यानी 6 सेकंड इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1 और 50 के बीच कितनी अबाध संख्या है,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आदमी नॉर्मली क्वेश्चन का अंक से भी बना सकता है, लेकिन एक ट्रिक होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद कर लीजिएगा तो कितना भी एक से लेकर 100 तक के अभाज्य संख्या को आप काउंट करके लिख सकते हैं। उस ट्रिक को हम लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए 22, 44, 32, 23, 21, ये एक से लेकर 10 तक के बीच में है, ये 10 ले लेकर 20 तक के बीच में है, 20 से 30 तक के बीच में है, 30 ले 40, ये 50, ये 60, ये 70, 80, 90, ये 100। तो 1 से 50 तक के बीच में बोल रहा है, यानी यहाँ तक। तो टोटल हम लोग काउंट कर लेंगे, 2 + 2 चार, 4 + 4 आठ, 8 + 4 बारह, 12 + 3 15। तो यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 से लेकर 50 तक कितना हो गया, 15। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या को 242 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी है, शेषफल, सॉरी 242 नहीं 342 को भाग करने पर 47 मिलता है, तो 19 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो तो शेषफल जितना भी दिया हुआ 47, उसमें 19 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 19 से भाग देंगे तो कितना मरत में, 2 मरत में जाएगा, तो 19 × 2 = 38, 38 में तो शेषफल आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी हो, हम त्रिज्याओं का अनुपात जैसे R1 एवं R2 का अनुपात इतना दिया हो, तो इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाता है। तो इसका हो जाए कितना, 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 / 1। अगर क्यू पूछेगा, अगर घन पूछेगा तो इसको क्यू कर देंगे। जैसा मान लीजिए यही पूछ दिया कि घन कितना, मतलब कि क्यू कब होता, तो इसका कर देंगे ये R1 + R2 के घन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो विद्यार्थी में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे, यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो देखिए, इसको दो प्रकार से बांटना है। तो पहला मान लीजिए, सबसे लिखेंगे कम से कम 2 कलम, तो मिनिमम तो 2 होगा और 12 है तो यहाँ पर 10 होना चाहिए, फिर 3 होगा तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, फिर 4 होगा तो यहाँ पर 8 होना चाहिए, फिर 5 होगा तो यहाँ पर कितना हो जाना, 7 होना चाहिए, यहाँ पर 6 होगा तो 6 होना चाहिए, यहाँ पर 7 होगा तो 5 होना चाहिए, यहाँ पर 8 होगा तो 4 होना चाहिए, यहाँ पर 9 होगा तो 3 होना चाहिए, और इसके बाद यहाँ पर 10 होगा तो 2 होना चाहिए। तो टोटल हम लोग काउंट कर लेते हैं कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्रकार से हम लोग कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है और n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो m प्लस n संख्याओं का औसत है, तो देखिए m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है प्लस n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है बटा 2 संख्या m प्लस n, दोनों में से m और n कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m प्लस n बटा m प्लस n, तो ये कट जाएगा तो बचेगा m और n, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये अगला क्वेश्चन जो है, ये नंबर सीरीज रीजनिंग की तरह है, इसको देखेंगे हम लोग। जैसे 4 दिया है, 18 दिया है,
48 दिया है, 100 दिया है, डॉट, फिर 294, फिर 448। देखिए ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसको ऐसे बनाया हुआ है, सॉल्व किया है। इसका 2 का क्यू माइनस 2 का स्क्वायर, तो 8 माइनस 4 बराबर 4। इसका किया है नेक्स्ट 3 का क्यू माइनस 3 का स्क्वायर, तो 27 में से 9 गया तो 18 बचा। अब नेक्स्ट देखेंगे इसका 4 का क्यू माइनस 4 का स्क्वायर, तो 64 माइनस 16 बराबर 48। ऐसे ही हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये 5 का हो गया 6 का, तो 6 का क्यू माइनस 6 का स्क्वायर, तो 216 माइनस 36 बराबर 180, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखेंगे कि 598 प्लस 479 का स्क्वायर, 598 माइनस 479 का स्क्वायर इतना है। इसका देखिए ऐसा क्वेश्चन होता है, ये फॉर्मूला है, एक तो लिख लीजिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको ए मान लेंगे, इसको हम लोग बी मान लेंगे, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी। इसका फॉर्मूला होता है 4 AB बटा AB, AB भी कट गया यानी 4, ऑप्शन नंबर ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा प्रकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। देखिए इसमें यूनिट डिजिट से ही हम लोग पता लगा सकते हैं। देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब मान लीजिए 4 का स्क्वायर के 16, तो नेक्स्ट में ने लास्ट डिजिट में 6 आ रहा है, 7 का स्क्वायर होता है 8 का स्क्वायर, 9 9 का स्क्वायर और 10 का तो छोड़िए। देखिए इसमें से यूनिट डिजिट इसमें 9 आ रहा है, तो 9 कहीं होता ही है, जैसे कि 3 का स्क्वायर हो गया, और 6 6 लास्ट में यूनिट डिजिट तो होता ही है, और 1 तो होता ही है इसका, लेकिन 2 2 किसी का स्क्वायर के लास्ट में यूनिट डिजिट 2 नहीं हो सकता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। एक घड़ी दोपहर में 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी, ऐसा क्वेश्चन जब भी हो। देखिए प्रत्येक मिनट में घंटे द्वारा बनाए गए कोण आधा होता है। देखिए प्रत्येक मिनट प्रत्येक मिनट में घंटे द्वारा बनाया गया कोण आधा होता है, ठीक है। तो 5 आवर 10 मिनट में टोटल कितना होता है, तो 310 मिनट हो जाएगा, और क्या बोल 310 भागा 2 यानी 155 डिग्री का कोण बनाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। मोहन 25 दिनों में एक काम को कर सकता है, जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है, तो शेष काम को पूरा करने में सोहन कितना समय लगेगा। देखिए मोहन 25 दिनों में करता है, सोहन 20 दिनों में करता है, दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे 100, ये 4 दिन में जाएगा इसका एफिशिएंसी, इसका 5 दिन में, दोनों मिलकर एक एक साथ 5 दिनों तक काम करता है, यानी 4 और 5 दोनों मिलकर
5 दिन तक काम करते हैं, यानी 45 काम कर चुके हैं, 45 काम कर लिए, तो बचा कितना? 55 काम, 55 काम बचा। उसके बाद मोहन काम को छोड़कर चला जाता है, तो मोहन काम को छोड़कर चला जाएगा तो बचेगा सोहन ही ना। सोहन का एफिशिएंसी कितना है? 5 है, तो 5 में इससे भाग दे देंगे, 11, यानी 11 दिन बचे। मोहन करेगा उस काम को, सोहन करेगा उस काम को। एक स्कूल में एथलेटिक टीमों के एक समूह में 21 बास्केटबॉल की टीम है, 20 हॉकी टीम है, वो 29 फुटबॉल टीम है। 21 बास्केटबॉल की टीम है, 26 हॉकी की टीम है और 29 फुटबॉल टीम है। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, 15 फुट हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेलता है, तो कितने केवल फुटबॉल खेलते हैं? ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो हम लोग तीन खेल की बात कर रहे हैं तो तीन को पहले गोला बना लेंगे। थोड़ा और बनाते हैं, अब से काट के बड़ा बनाएंगे हम लोग। देखिए, मान लेते ये बास्केटबॉल है, ये हॉकी है, और ये इसको मान लेते हैं फुटबॉल। देखिए, इसमें बोला 21 बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है, और फुट कितना बोलते, 26 हॉकी खेलते हैं और 29 फुटबॉल खेलते हैं। उसमें से बोला 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो देखिए हॉकी और बास्केटबॉल दोनों में ये मिलकर रहते हैं, यहाँ पर हो गया 14, और 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल और बास्केटबॉल के बीच में ये हो गया 14। सॉरी, ये 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं ना, और ये हो गया 15 जो है हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, तो ये हॉकी और फुटबॉल 15 हो गया, और टोटल जो है तीनों कौन, 8 जो है तीनों खेल खेलते हैं, तो 12 में से 8 चला गया तो 4 बचेगा, 15 में से 8 चला गया तो 7 बचेगा, और 8 में से 14 में से 8 अगर चला गया तो 6 बचेगा। तो फुटबॉल का निकालना है तो टोटल 29 है, उसमें से ये घटा दीजिएगा जोड़ के काउंट करके, तो 4 प्लस 8 प्लस 7, 29 में से 19 घटा दीजिएगा, तो 10 जो है ना केवल फुटबॉल खेलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 80 विद्यार्थियों के कक्षा में 60% विद्यार्थी कैरम खेलते हैं, 45% शतरंज खेलते हैं और 10% विद्यार्थी कैरम ना कैरम और ना शतरंज, कोई नहीं खेल खेलते हैं, तो केवल शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? देखिए, 80 विद्यार्थी जो है कैरम, 80 का 60% हम लोग निकालेंगे, तो 48 विद्यार्थी जो है कैरम खेलते हैं और शतरंज, शतरंज जो है 45 का 10%, सॉरी सॉरी, 80 का 45%, 36 जो शतरंज खेलते हैं, और कोई खेल खेल नहीं खेलता है जो है, कोई नहीं, अस्सी का 10%, मतलब 8 जो विद्यार्थी है कोई खेल नहीं खेलता है, ठीक है। देखिए, 80 टोटल है, उसमें से 8 घटा देंगे तो 72 ऐसे बचेंगे जो दोनों, मतलब कि कुछ कैरम भी खेलते होंगे, कुछ फुटबॉल खेलते होंगे। टोटल इसको पहले हम लोग काउंट कर लेंगे कितना हो गया, तो 44, 84, उसमें से
ये हो गया कि टोटल इसमें से ये 72, इस 72 84 में से 72 घटाएंगे, 84 में से 72 तब 12 ऐसे विद्यार्थी बचेंगे जो दोनों खेल खेलते हैं, ऐसे दो राउंड बना लेंगे 12। और केवल कैरम खेलने वाले जब 12 ही हो गए तो बचे हुए 36, और जब शतरंज 36 खेलते हैं तो 24 बचेंगे। तो इसमें से कितना पूछा है, केवल शतरंज खेलने वाले, तो केवल शतरंज खेलने वाले कितने हो गए, 24। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिनों में पूरा करती है और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिनों में पूरा करते हैं, तो 5 महिलाएं एवं 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में लगाएंगे। तो 10 वुमेन 7 दिन में पूरा करती है, तो 10 बॉय 14 दिन में पूरा करते हैं, तो ये 2 मिनट में चला जाएगा, 10 ले 10 गया, तो वुमेन एवं बॉय का एफिशिएंसी हो जाएगा अनुपात 2:1। तो बोल रहा है 5 महिलाएं, 5 महिलाएं यानी 5 × 2 = 10 और 10 बच्चे, टोटल देख लीजिए 10 महिलाएं, 10 महिलाएं महिला 7 दिन हम पूरा करती है, तो हो जाएगा ये कितना, 140/20 यानी 7 दिन में पूरा होगा। एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक व्यक्ति 20 रुपये मूल्य का शेयर 9% लाभांश आधा करके खरीदता है और अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है, तो प्रति शेयर का भाव कितना होगा। देखिए 9% करना चाहता है, मान लीजिए एक्स 12% ब्याज पे करेगा तो कितना होगा, यस चला जाएगा 3 मिनट में, 3×9 4 बार में, 5 बार में, यानी 15 रुपये इसका बाजार का भाव होगा, ऑप्शन नंबर बी। एक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्षों में इतना रुपए तथा 3 वर्षों में इतना रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। इसका 2 वर्षों में तो पहले परसेंटेज दर निकालेंगे, तो 949 13 24 24 46 24 / 46 24, तो इसका हो जाएगा घट के 289/46 24 × 100। इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 25/4% आएगा, 25/4% को हम लोग लिख सकते हैं 25/100, 400 बोलो, इसको हम काट कर गए तो 1/16। देखिए 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो 1/16 से 1/16 होगा, तो इसको लाभ करेंगे तो 17/16 हो जाता है, 2 वर्ष के लिए बोला है तो 16 से 17 स्क्वायर करेंगे तो इसके गुणा करेंगे 289, इसका 256। देखिए ये अमाउंट है, अमाउंट की तुलना अमाउंट से करेंगे, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो अमाउंट की तुलना अमाउंट से करेंगे तो ये 16 बार में जाएगा, इसको फिर 256 में, 256 में 16 से गुणा करेंगे तो 40/96 आ जाएगा, यही आपका प्रिंसिपल है, ऑप्शन नंबर सी।
एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा से नौकायन कर सकता है। यदि एक 1.5 किलोमीटर प्रति गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए 50 मिनट लगते हैं, तो उस स्थान से दूरी कितनी होगी? देखिए, इतना किलोमीटर है, इतना किलोमीटर धारा के अनुकूल चलेगा तो जूटता है। नौ किलोमीटर पर आप प्रतिकूल होगा तो वहीं घटता है। दूरी निकालना होगा तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो इसका हम लोग करें, दूरी दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। देखिए, चाल गुने समय होता है ना, दूरी को ऐसा दूरी निकालना होगा तो दूरी बराबर एक फॉर्मूला होता है, xy × x+y। तो हम लोग 9 × 6, 9 + 6, समय कितना है? तो समय 50 मिनट है, तो इसको हम लोग घंटा में चेंज कर देते, भागा 60 से कर देंगे तो कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, 0 से 0 गया, 6 से 6 गया, ये से 3 मिनट में गया और ये से ये 3, यानी 3 किलोमीटर इसका दूरी हो जाएगा। एक पानी की एक टंकी में, पानी की एक टंकी के एक तल में 2 छेद है, ए एवं बी है। केवल ए छेद खोलने पर टंकी खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली होती है, तथा केवल बी छेद खोलने पर 20 मिनट में। यदि 10 मिनट तक दोनों छेदों को खोलकर छेद बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कुल कितना समय लगेगा? देखिए, ए 30 मिनट में खाली करता है, बी 20 मिनट में, एलसीएम इसका हो जाएगा 60, ये इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 3। 10 मिनट तक दोनों को खोला जाता है तो 5 × 10 ये हो जाएगा, 2 + 3 तो 50, 50 तो हो गया। अब शेष काम बचेगा 10, उसके बाद बी को बंद कर दिया जाता है। तो बी को बंद कर दिया तो काम कौन करेगा? ए करेगा, एक करेगा ना, तो ये 10 हो जाएगा 10। देखिए, तो ए अब काम करेगा, तो ए कितना देर में करेगा? तो भागा 2 से कर देंगे, यानी 5। तो पूछ रहा है टोटल समय, तो पहले टोटल टोटल टाइम कितना हो जाएगा? तो पहले कितना देर लगा था? तो पहले 10 मिनट लगा था, अब कितना लग रहा है? 5 मिनट, यानी टोटल 15 मिनट लगेगा टाइम, ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि ये दोस्तों 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है, प्रधान शिक्षक में ऐसा सवाल थोड़ा इससे हल्का आएगा, क्योंकि ये BDO CO का परीक्षा जो होता है, प्रारंभिक परीक्षा, उसमें पूछा गया है। और प्रधान शिक्षक में जैसा कि आपका समय काम रहेगा, प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, और कुछ चैप्टर है जिससे अधिक सवाल रहता है BPSC में, उसका मैं चैप्टर वाइज वीडियो बना दूंगा। और दोस्तों, अगर आप बिहार के शिक्षक हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप प्रधान शिक्षक बनना चाहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार हिंदी और इतिहास अथवा दोनों लेता है। 66% हिंदी है, 59% इतिहास लेते हैं और कुल उम्मीदवारों की संख्या 3,000 है। तो कितने उम्मीदवार केवल हिंदी एवं इतिहास दोनों लेते हैं? तो ऐसा क्वेश्चन होगा, जोड़ेंगे। देखिए, हिंदी 66 है और 59, दोनों का अगर काउंट करेंगे तो ये
फाइव हो जाएगा, 6 15 125। देखिए टोटल 100% ही होता है, कितना मानिएगा, तो इससे कितना ज़्यादा है, तो 25 ज़्यादा, तो 25 लोग जो होंगे ना वो हिंदी और इतिहास दोनों लेंगे, तो 3000 का 25% निकाल देंगे, वहीं आपका हो जाएगा टोटल कितने लोग हैं, तो बटा में 100 हो जाएगा, परसेंटेज हटेगा तो 20 से 20 गया, 25 से 75 यानी 750 लोग जो होंगे और हिंदी और इतिहास दोनों लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए ये रूट एक्स का मान निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन जब भी होता, जितना देखिए 4 0 से 4 0 चला गया, तब सिर्फ बजा कितना, तो 1225 1253 5329, तो 1200 इससे 35 का स्क्वायर होता है और ये 73 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 1575 जो आपका बीपीएससी में जीके जीएस का रहेगा, उसमें मैथ में भी 6 से 10 प्रश्न रहेगा, मैथ रीजनिंग का और डीलेट का 75 रहेगा ही। अब दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। और अगला वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज प्रश्न, इससे पता चल गया आपको कि बीपीएससी कैसा प्रश्न पूछता है, वैसे ये प्रधान शिक्षक में इससे आसान सवाल ही रहेगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।